नमस्कार, मैं मेघा। शुभ रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसन बर्फी बनाएंगे, एकदम हलवाई स्टाइल बेसन बर्फी। अभी रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसन का बर्फी बनाया है, एकदम इंस्टेंट ऐसे बेसन बर्फी, और इतनी टेस्टी लगती है। देखिए, एकदम हलवाई स्टाइल, या मिठाई के शॉप में जैसे बेसन बर्फी मिलती है वैसे ही एकदम आसानी से हम लोग बेसन बर्फी घर पे बना सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बनती है ये बेसन बर्फी, और इतनी मस्त लगती है। रक्षाबंधन पे आप ज़रूर बना के देखिए और अपने भाई को खुश कीजिए। ऐसे एकदम दानेदार ऐसे बेसन बर्फी, और घर के रखे कुछ सामान से ही बन के रेडी हो जाती है। तो इसे हमें बनाने के लिए केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलो शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो मैंने गैस पे एक पैन रखा है, इसमें मैंने लिया है आधा कप घी। घी की जगह आप डालडा या वनस्पति जो डालडा आता है ना, वो भी ले सकते हैं। अभी घी पिघलने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। जितना हम लोग बेसन लेंगे उसका आधा हमें घी लेना है। ये आप मेजरमेंट ध्यान रखिए, जितना बेसन लेंगे उतना उसका आधा हमें घी लेना है। और घी में हमें अभी बेसन को अच्छी तरह से भुनना है, एकदम लो फ्लेम पे हमें बेसन को अच्छी तरह से भुनना है। जितना बेसन हमारा अच्छे से भुनेगा उतनी ही हमारी बेसन की जो बर्फी है ना वो एकदम टेस्टी बनेगी। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि एकदम बेसन सूखा सूखा है, लेकिन जैसे ही घी पिघलने लगेगा, इसमें से रिलीज होने लगेगा, तो ये मिश्रण थोड़ा ऐसे गीला जैसे आपको लगेगा। तो हमें बस इतना ही, आधा कप ही घी बस हो गया। हमें बस इसे अभी लगातार चलाना है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे अभी 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। सूजी से हमारी जो बेसन बर्फी है ना एकदम दानेदार बनती है। तो अभी सूजी और बेसन दोनों को मिला के हमें अच्छी तरह से भुनना है। जितना आप भुनाई करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी बर्फी बनेगी, ये याद रखिए। और एकदम लो फ्लेम पे ही हमें बेसन को भुनना है। अगर आप हाई फ्लेम पे बेसन को भुनने जाएंगे तो बेसन बराबर से भुनेगा भी नहीं और नीचे से जल्दी से जल जाता है, और आपकी बेसन की बर्फी बिगड़ सकती है। तो अभी बेसन देखिए हमारा थोड़ा गीला हो गया है, यानी ये रिलीज होने लगा है। तो बस हमें ऐसे ही लगातार चलाते हुए बेसन को एकदम गोल्डन कलर आने तक भुनना है। एकदम लो फ्लेम पे ही भुनना है, और मेजरमेंट मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से लीजिए। तो आपकी बेसन की बर्फी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो अभी मैंने देखिए अच्छे से भून रही हूँ। मेरी दिखाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छा लगते है तो मेरे चैनल को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो नई रेसिपी है वो आपके पास तुरंत पहुँच सके। अभी इस तरह से देखिए मैं लगातार चलाते हुए बेसन को भून रही हूँ। बेसन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो बेसन जल सकता है नीचे से। बेसन अच्छी तरह से भुनने के लिए 12 से 15 मिनट बस हो जाते हैं, एकदम लो फ्लेम पे। तो अभी देखिए बेसन का कलर चेंज होने लगा है। तो हमें बस ऐसे ही थोड़े लगातार और 2 मिनट हम लोग भुनेंगे, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से गोल्डन कलर होने तक आ जाए। अभी देखिए गोल्डन कलर आने लगा है। तो बस हम 1 आध मिनट और भूनेंगे। तो बेसन देखिए हमारा अच्छी तरह से भून के रेडी हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, अभी ये पैन उठा के दूसरे गैस पे रखूँगी, और ये सेम गैस पे हम लोग दूसरा पैन रखेंगे जिसमें हमें शक्कर का पाक बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी। अपने जो बेसन जिस कप से लिया है उसी कप से हमें चीनी लेनी है। 1 कप बेसन के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी, और चीनी में मैंने आधा कप पानी ऐड किया है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, जितनी चीनी ली है उससे आधा हमें पानी लेना है, और चीनी को अच्छे से पिघलना है। यहाँ पे हमें फ्लेम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे चीनी को अच्छी तरह से पिघलाना है। और ये हमें एकदम गाढ़ा ऐसे पाक नहीं बनाना है, ना ही 1 तार या 2 तार। बस चीनी पिघलने के बाद में बस 5 मिनट के लिए और इसे उबालना है। जब लोग हम हाथ में पाक लेके देखेंगे तो बस थोड़ा ऐसे चिपचिपा लगना चाहिए, इतना ही हमें ये पाक को पकाना है अच्छे से। देखिए लगातार चलाते हुए मैंने चीनी को पिघला लिया है, क्योंकि हम लोग इसमें पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो चीनी तुरंत नहीं पिघलती है। जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो तुरंत चीनी पिघल जाती है। अभी चीनी देखिए अच्छी तरह से पिघल गई है,
और पाक भी हमारा अच्छे से उबलना है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 TSP हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है स्वाद के लिए। बेसन के बर्फी में हरी इलायची का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हरी इलायची ज़रूर डालिएगा। अभी देखिए पाक को मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया। अभी पाक हमारा रेडी हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए थोड़ा सा इसे हाथ में लेके देखेंगे। थोड़ा सा देखिए चिपचिपा लग रहा है, यानी पाक हमारा रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पे गैस एकदम लो करती हूँ और ये पाक को हम लोग साइड में रखेंगे। और अभी ये सेम गैस पे हम लोग जो बेसन का भून के रखा है उसे रखेंगे। वो पैन अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी हमें इसमें ये चीनी का पाक ऐड करना है। इस तरह से अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से अगर बनाएंगे बेसन की बर्फी तो आपकी बेसन की बर्फी भी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि बेसन पाक चीनी का पाक बना के बेसन की बर्फी बनानी है तो बिगड़ सकती है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। अब मेरी रेसिपी से आप ज़रूर बना के देखिए, एकदम परफेक्ट ऐसी दानेदार हलवाई स्टाइल आपकी बेसन की बर्फी बनेगी। अभी बेसन को हमें अच्छी तरह से शक्कर के पाक में मिक्स करना है, एकदम लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए हमें गाढ़ी बनाना है। एकदम गोला होने तक, इकट्ठा होने तक हमें इसे भूनना है। और जल्दी से ये इकट्ठा भी होने लगता है, देखिए लगातार हमें इसे भूनना है एकदम लो फ्लेम पे, फ्लेम का बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए। और इतनी ये टेस्टी बनती है, एकदम सॉफ्ट ऐसी ये बेसन की बर्फी त्योहारे में आप ज़रूर बनाइए। अभी रक्षाबंधन आ रही है तो ये रक्षाबंधन पे आप ज़रूर बनाइए बेसन की बर्फी। फिर देखिए हमारा मिश्रण गाढ़ा होने लगा है, बस थोड़ा इकट्ठा होने तक हमें और पकाना है 1-2 मिनट। इसे लगातार चलाते हुए मैंने देखिए इकट्ठा कर लिया है, बस हमें इतना ही पकाना है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। बेसन का मिश्रण जो है हमारा इकट्ठा होने लगा है, यानी हमारी ये बर्फी जमाने के लिए रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने तक हम लोग वेट करेंगे। मिश्रण थोड़ा हल्का हो गया है तो मैंने यहाँ पे एक किसा डिब्बा लिया है या प्लेट ले सकते हैं। और ये डब्बे में मैंने बटर पेपर डाला है ताकि बर्फी निकालने में हमें आसानी हो। आप यह डिश या आपके पास ट्रे हो तो उसमें भी आप बर्फी जमा सकते हैं, बस उसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लीजिए। अभी ये सब बैटर जो है बर्फी का बेसन का, तो हम लोग वो सब डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि मैं ये स्क्वायर में बर्फी कट करने वाली हूँ तो ये इसे स्क्वायर डब्बे में हम लोग जमाएंगे तो इजी होगी बर्फी कट करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर वाला डब्बा नहीं है तो आप जो रेगुलर डिश रहती है राउंड वाली उसमें भी बर्फी सेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से ऊपर से प्लेन हुआ, एकदम स्मूद ऐसे हमारी बर्फी बनी है। अभी ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से मैं गार्निशिंग कर सकती हूँ, आपको जो भी सिल्वर फॉइल सिल्वर वर्क से करना है या ड्राई फ्रूट से करना है वो आपके मर्ज़ी पे है। तो मुझे तो यहाँ पिस्ता और थोड़े से बादाम मैंने यहाँ से बारीक कट करके रखे हैं वो डालूँगी, और थोड़ा सा स्पैचुला से ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ड्राई फ्रूट जो है अंदर अच्छे से सेट हो जाते हैं। अभी थोड़े से सेमी सेट होने के बाद हम लोग ये बेसन बर्फी को पीसेस में कट करके रखे तो ये बर्फी अपन थोड़ी सेमी सेट हो जाती तो थोड़ा बर्फी बेसन के पीसेस करून घेणार आहोत, कारण सेट झाल्यानंतर थोडा प्रॉब्लेम होईल तुम्हाला, व्यवस्थित पीसेस कट करता येणार नाही। तो इसके लिए थोड़ा सा सेट झाल्यानंतर लगेचच आपण याचे पीसेस करून घेणार आहोत आणि नंतर याला आपण सेट करण्यासाठी अर्धा तास ठेवू शकतो। बघा इजीली पीसेस कट होत आहेत, इजीली असे कट होत आहेत असतानाच आपण हे पीसेस करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवू शकता किंवा बाहेरही ठेवलं तरी बर्फी व्यवस्थित सेट होईल। तर मी या पीसेसमध्ये बाहेर ठेवून देते आहे अर्धा तास, पॅन के नीचे सेट होने आता अर्धा तास झालेला आहे। तर आपण बर्फी चेक करून बघितले मस्त आपली बर्फी सेट झालेली आहे। तर आपण या बॉक्स मधून आता काढून घेऊया बटर पेपर, बटर पेपर नसला तरी चालेल। बेसन बर्फी हमारी रेडी हो गई है, तेल किंवा घी लावून डिशला सेट करून तुम्ही बर्फी सेट करू शकता त्याच्यावरती।
बेसन बर्फी तैयार झालेली आहे। खूप सुंदर दिसते आणि खूप चविष्ट अशी ही बर्फी आपण बनवलेली आहे। बेसन पीसेस तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छोटे मोठे करू शकता। दाणेदार अशी आपली बेसन बर्फी बघा बनलेली आहे आणि खूप चविष्ट लागते। हलवाईच्या स्टाईलने आपण ही बेसन बर्फी बनवलेली आहे। मिठाईच्या शॉप मध्ये वगैरे जशी मिळते ना तशी मस्त अशी दाणेदार बेसन बर्फी अगदी तुम्ही ही घरी बनवू शकता आणि तेही फक्त 3 साहित्यामध्ये। तर चला बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका।